हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोविड-19 वैक्सीन का RDBB के SIS लॉगिन में जाकर के कैसे अपनी वैक्सीन का डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है RDBB के पोर्टल पर और आपको सिंपली RDBB सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वाली साइट आ जाएगी। आपको इसी साइट पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये पोर्टल आ जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे ऊपर ले चलता हूँ। इसमें आपको फ्रेंड्स होम में जाना है। जैसे ही आप होम में आएंगे तो इसमें यही वाला पृष्ठ खुल रहा है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाएंगे आपके सामने पृष्ठ खुल जाएगा। आप यहाँ कॉर्नर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नीचे में आप यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा SIS स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लॉगिन। यहाँ पर जिनका SIS पहले से रजिस्टर है वो सिंपली SIS स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई पर आप लोग फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपसे सीधे ये कोविड-19 वैक्सीन की डिटेल्स पूछ लेगा। यहाँ से फ्रेंड्स आप अपनी ID पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने सीधे कोविड-19 वैक्सीन की डिटेल्स खुल जाएगी। वहाँ से आप डिटेल फिल करके सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा फ्रेंड्स। बस आपको इतना ही करना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।